हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई हॉपी गार्डनिंग में। और मेरे यहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस समय भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है। और सारे प्लांट्स देखिए कितने खूबसूरत हो गए हैं इस बारिश के पानी में भीग के। ये देखिए गोरी चोरी का प्लांट है, सारे फ्लावर्स इसके झड़ गए हैं हवा और पानी में। ये नए वाले फ्लावर्स बस रह गए हैं, ओल्ड वाले सारे गिर गए हैं। बोगन वालियाँ बस इधर से ही अब अंदर अंदर मैंने रखा है, बाहर की तो सारी कटाई कर दी है। और मैंने ये सारे प्लांट्स मैंने बारिश में मैंने रख दिए हैं, क्योंकि बारिश के पानी से प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। उनकी ग्रोथ रुकी हुई है तो वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो छोटे छोटे पौधे भी मैंने सारे ये लाइन से मैंने यहीं पे ही रख दिए हैं। और थोड़े बहुत अंदर साइड में हैं, वो सारे तो नहीं आ सकते बाहर। इधर साइड भी ये देखिए ये वाले अंदर ही हैं, इनको नहीं बाहर रख पाए हैं। और बारिश का पानी तो पेड़ों के लिए अमृत का काम करता है, तो मैंने इसलिए जाती हुई बारिश में मैंने सोचा चलो सारे प्लांट्स रख देते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। और आप उनका लाइक कमेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ मेरे काम को कोई पसंद कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे और भी अच्छे काम करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग का मुझे सपोर्ट मिलता रहे, इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये सारे प्लांट्स इसी लाइन से रखे हुए हैं। आज मैंने सोचा था मैं कोई भी वर्क, गार्डन वर्क तो बिल्कुल नहीं मैं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो रही है, मैं टायर्ड हो गई हूँ। अभी इतना हार्ड वर्क बहुत किया है, वो भी थोड़ा अपने साथ शेयर भी किया है, थोड़ा ऐसा नहीं किया है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं ऐसा कोई दिन हूँ कि मैं अपने गार्डन में वर्क ना करूँ, कुछ ना कुछ काम में गार्डन का मेरा होता ही है। तो आज मैं जो वर्क करने जा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो बहुत ही अच्छा वर्क है। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है आज, बट रिक्वेस्ट है आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, और इसकी जो 3 सूखी लीव्स थी वो तो हटा दी। और ये मैंने जो मैंने ग्रीन लीव्स भी मैं हटा रही हूँ, ये ओल्ड हो चुकी हैं। ओल्ड होने के बाद, क्योंकि प्लांट बहुत साल का हो गया है और ओल्ड हो गई है लीव्स, बट सूखी नहीं है, क्योंकि मैं इतना ख्याल रखती हूँ तो वो ड्राई नहीं हो पाती हैं। पर उनका वो चमक जो होती है लीव्स की, नई लीव्स और बहुत पुरानी लीव्स में बहुत अंतर हो जाता है। अब इनमें चमक नहीं है, डलनेस हो गई है, और डल होकर वो झुकी हुई सी हैं। तो मैं इन सारी झुकी हुई पत्तियों को, डल पत्तियों को मैं हटा दूंगी। इस तरह से अब नए नए कीड़े निकले हैं, वो इसके नीचे छुप गए हैं, तो प्लांट्स की खूबसूरती नहीं आ रही है। तो हम प्लांट्स अपना खूबसूरत बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसमें खाद पानी का बहुत ही ख्याल रखते हैं, धूप छाँव का भी ख्याल रखते हैं। उसी तरह से हमें ये पत्तियाँ हटाने में थोड़ा लालच लग रहा है, दुख हो रहा है, बट प्लांट की केयर के लिए हमें ये काम कर लेना चाहिए। पत्तियाँ इन सबको, ये झुकी झुकी सी हैं, इनको सबको मैं हटा दूँगी। और ये नीचे से देखिए नए नए किले आ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारी, मतलब पत्तियों के जो लाइंस हैं वो भी अच्छे से दिख रही हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, शाइन कर रही हैं ये पत्तियाँ। और ये देखिए ये ऊपर से ये आ जाती है तो वो लीव दिख नहीं रही है। इनको जब मैं हटा दूँगी तब आप लोग देखिएगा, ये इस प्लांट को आप लोग पहचान नहीं पाओगे कि ये वही प्लांट है जो अभी अभी मैंने आपको मैंने दिखाया। लेकिन अब मैं धीरे धीरे एक एक पत्ती आगे से पकड़ के पीछे मैं हाथ ले जा रही हूँ, तोड़ रही हूँ,
कि कहीं हमारी नई पत्ती ना टूट जाए, नया किला ना टूट जाए। एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से ही मैं काम करती हूँ। मैं अपना गार्डन वर्क सारा अपने आप ही मैं करती हूँ। रोज के रोज मैं इसीलिए काम करती हूँ ताकि हमारा गार्डन हमेशा साफ सुथरा और हेल्दी रहे, पेड़ पौधे। मुझसे तो लोग पूछते भी हैं कि तुम अपने पेड़ पौधों में क्या डालती हो जो इतने हेल्दी पेड़ हैं। मेरे यहाँ हेल्दी पेड़ नहीं है। तो जब हम अपने आप काम करते हैं तो हमें छोटी से छोटी चीज़ भी दिखती है कि हाँ हमारी ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो हम उसको ठीक करने की